चलो भैया, आज मैं और मेरे दोस्त निकल पड़े हैं महासूर्य देवता जाने के लिए। और सबसे पहले देखो कितने खूबसूरत नज़ारे से स्टार्टिंग हो रही है। ये है टोंस नदी, कितना अच्छा नज़ारा है, बस इसलिए बगल बगल से जा रहे हैं। वो जो सामने पहाड़ दिख रहा ना, उसमें एक छोटी सी गुफा है। जब कौरवों ने वो लक्षाग्रह वाला कांड किया था ना, उस समय पांडव लोग वहीं से निकल के बाहर आए थे, उसी गुफा से। और ये हमारी बस का ड्राइवर बस छोड़ के गप मार रहे हैं टमाटर वालों के साथ। अच्छा हुआ ना हम अभी यहाँ बरसात के टाइम पे आए, सबसे कितना हरा भरा, कितना सुंदर सा दिख रहा, मस्त लग रहा। वैसे टाइम पे आओ तो फिर घास भी सूख जाती है, हरा भरा भी कम हो जाता है। अभी खूब हो रखा है यहाँ सब कुछ हरा हरा बढ़िया सा। नदी का फ्लो तो अभी ऐसा हो रखा कि अभी कोई इसमें चला जाएगा तो पता नहीं कहाँ पहुँचेगा, कहीं जाके मिलेगा फिर तो आगे। चलो फिर हम पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, महासू देवता का मंदिर। वो देखो सामने दिखाई दे रहा है। हाँ, ये सविता अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते हुए और इसके चेहरे की खुशी अब क्या बताएं। मंदिर का रात का नज़ारा, हम रात की आरती भी रुक रहे थे यहाँ पर। ये हमारा दोस्त मिल गया हमें अपना यहाँ पे। ये बज रहे हैं सुबह के 7 और हम सुबह सुबह 7 बजे पहुँच चुके हैं मंदिर में। ये है सुबह का नज़ारा। तैयार, मैं तो वीडियो बना रही। ओह माय गॉड, ये है हमारा महासू महाराज का मंदिर।
कैसे बोलना होता, साइलेंट रहना है वहाँ नहीं, बस दर्शन करो और चुपचाप आ जाओ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अगर आप भविष्य में जरूरत पड़ी, कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा तो जब जब किसी के ना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है तो वो आ ही जाएगा। जाना नहीं वैसे छोटे मोटे जैसे ठीक है।